रूसी आर्मी ने पहले यूक्रेन के अवदिवका शहर पर कब्जा किया और अब डोनेस्क के पास बने पोबेडा गांव पर भी रूसी सेना का नियंत्रण हो गया है। अवदिवका का हाथ से निकलना और पोबेडा गांव पर रूसी कब्जा यूक्रेनी सेना के लिए अभी तक का सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि ये दोनों ही इलाके यूक्रेन के लिए रणनीतिक और सामरिक रूप से बेहद ही अहम थे, जो अब रूसी सेना के हाथ में जा चुके हैं। लेकिन पोबेडा गांव पर रूसी कब्जा होने से पूर्वी यूक्रेन के रणनीतिक और सैन्य समीकरण पर बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसके अलावा इसकी आहट अब यूरोप के नक्शे पर भी दिखने लगी है, क्योंकि धीरे धीरे रूसी सेना यूक्रेन में भीतर की तरफ बढ़ रही है और जिससे अब यूरोप पर भी खतरा बढ़ गया है। दरअसल पोबेडा गांव पश्चिमी डोनेस से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लंबे वक्त से रूसी सेना की इस गांव पर नजर थी, क्योंकि यहां से मारिनका और उगिल्दर के बीच सड़क जाती है और अब इस गांव पर रूसी कब्जा होने से यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइन जो वुलेदर को जाती है वो प्रभावित होगी। इसके अलावा डोनेस के बाहरी इलाकों पर भी रूसी फौज की पकड़ मजबूत हो जाएगी, जो अभी तक यूक्रेन के कंट्रोल में थे। इसके अलावा पोबेडा गांव डोनेस्क इलाके में रूसी और यूक्रेनी फौज के बीच अहम भूमिका निभाएगा। इस गांव के करीब यूक्रेन की 33वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड की तैनाती है, जिसकी भिड़ंत रूसी सेना से होगी, जिसने अब H-15 हाईवे को मिलाकर और जॉर्जिवका पर बढ़त बना ली है और इन इलाकों पर रूसी फौज के आगे बढ़ने से पूर्वी यूक्रेन में लड़ाई की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। और तो और, क्रैस्नोवका के दक्षिणी बॉर्डर पर रूसी फौज की मौजूदगी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जिससे पुतिन की सेना यूक्रेनी सैनिकों को भीतर की तरफ खदेड़ते हुए इलाकों पर कब्जा कर सकती है। लेकिन पोबेडा गांव का रूस के हाथ में जाना यूक्रेनी जनता के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। यूक्रेन की जनता के लिए पोबेडा गांव एक बड़ी त्रासदी साबित हो सकता है और रूस के लिए पोबेडा पर कब्जा सामरिक जीत से भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये पूर्वी यूक्रेन में चल रहे यूक्रेनी सेना और रूसी फौज के संघर्ष की याद दिला रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर यूक्रेनी नागरिक प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उनके नागरिक अधिकारों का रूसी सेना के हाथ में जाना और अपने ऊपर कब्जे के डर से अपने घरों से उजड़ना यूक्रेनियों के लिए एक अंतहीन दर्द बना हुआ है।